सिटी लाइफ वर्सेस देसी लाइफ, देसी स्कूल वर्सेस सिटी स्कूल, स्कूल लाइफ ऑफ देसी वर्सेस सिटी स्टूडेंट पार्ट टू, देसी वर्सेस सिटी होली, देसी वर्सेस सिटी बॉयफ्रेंड, देसी वर्सेस सिटी स्कूल लाइफ ऑफ देसी वर्सेस सिटी, देसी वर्सेस सिटी सिटी बॉयज वर्सेस देसी बॉयज लाइफस्टाइल, देसी वर्सेस सिटी स्कूल लाइफ ऑफ देसी वर्सेस सिटी, देसी पीपल वर्सेस सिटी पीपल, देसी वाइफ वर्सेस मॉडर्न वाइफ। यार सबसे पहले चीज तो ये सिटी वर्सेस देसी का क्या लॉजिक है मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या सिटी में देसी नहीं रह सकते? देसी का मतलब होता है देश का, घर का, तो ये वर्सेस वाला टाइटल तो एकदम इलॉजिकल है। खाली देसी या खाली सिटी वाला भी कोई लिखे तो भी समझ आए। ओके बाय मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इन वीडियोस में सिटी वाले होते हैं कतई चमन, भोली भगतन, जिनको आंड बांड किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। और देसी वाले होते हैं ऑब्वियसली दबंग, डेरिंग, पढ़ाई में तेज, घर में तेज, लड़की पटाने में तेज, दिखने में तेज, रहने में तेज, खाने में तेज। तो दोस्तों अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कतें चल रही है तो उसमें गलती तुम्हारी नहीं है, बस दिक्कत यह है कि तुम सिटी वाली साइड हो। तो अपना नाम आज ही बदले और उसमें देसी लगा ले और उसके बाद जिंदगी खुद पे खुद सवरती चली जाएगी। मेरठ के पास है मुजफ्फरनगर और खतौली से आगे पड़ा है भैंसी। मेरठ के पास है मुजफ्फरनगर और खतौली से आगे पड़ा है भैंसी। और जिंदगी अगर सवारनी हो दोस्तों तो नाम में लगा लो देसी। ओके, हम लोगों को इन वीडियो से एक और स्टीरियोटाइप करने के लिए स्केल मिल गई है। अगर आपके पास ड्यूक है, ड्यूक, और एक 4 साल से बिना ड्राई क्लीन हुई लेदर जैकेट है तो आप ही हैं सिटी बॉय। और अगर आपको 4 दिन से खाना नहीं मिला और आपके पास एक बुलेट है और आप उस बुलेट पे पटाखे फोड़ते हुए मोहल्ले वालों से अपनी माँ बहन को गालियां खिलवाते हैं तो आप ही हैं। मेक सम नॉइज़ फॉर द देसी बॉयज। हाँ मम्मी, सफेद कुर्ता पहन के बुलेट के 2010 मॉडल पे, मोनू मामा की है ना, उस पे फोटो डाल दी है। अब उस फोटो को देखते सारी लड़कियां सीधा मेरे बेड पे होंगी। क्या मतलब है मम्मी, अभी भी मेरा दिमाग विकसित नहीं हुआ? इन वीडियोस में शुरू से हमारा जो देसी गाय होता है, मतलब लीड रोल जो होता है, वो बेचारा एकदम कतई डाउन टू अर्थ जीवन बिता रहा होता है, काफी ह्यूमिलेट होता है और लड़की भी धोखा देके चली जाती है। और इधर सिटी बॉय एकदम बैड एटीट्यूड, फक बॉय, बैड गाय, कूल डूड बन के रहता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा तख्ता पलट होता है कि जो हमारा देसी लड़का है, जो ह्यूमिलेट हो रहा था, जो लीड रोल है, वो एक लग्जरियस गाड़ी में बैठ के आता है। और इधर सिटी वाले की माँ, सिटी वाला साइकिल पे एकदम रोड पे आ जाता है, हैप्पी एंडिंग। ये कौन बोल रहा है कि भैया पंजाबी गानों की भी यही स्टोरी होती है? नहीं, बैड मैनर्स। अब जब इतनी वीडियोस बन चुकी हैं इंडियन यूट्यूब पे, तो फिर भी ये लड़कियां हमारी देसी देसी लोंडो को धोखा देके सिटी वालों के पास क्यों चली जाती है इन वीडियोज में? क्यों स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा? व्हाई? देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रहे, भले मोहल्ले में मुझे कोई ना जानता हो। ये क्या अजीब सा फ्लेक्स है भाई, कि खुद को देसी बोलकर और सामने वाले को सिटी वाला बोल के नीचा दिखाना। अच्छा मैं गांव से हूं लेकिन रहता शहर में हूं बचपन से, तो मैं क्या हुआ, NRD, नॉन रजिस्टर्ड देसी? अरे भाई, भैंस गाय से इतनी भी दूर क्यों सुआ रखा? भैंस गाय के मूत पिसाब में ही बांट दो ना उसे, वो तो देसी गाय है। तुम्हारे अकॉर्डिंग देसी गाय गांव वालों के घर थोड़ी होते हैं, वो तो तबेले में ही सोते हैं भैंस गाय कुत्ते बकरी के साथ। और फिर अचानक से हैप्पी एंडिंग के टाइम पे उनपे 10 ऑडी और 20 बुलेट आ जाती है। वाह रे लॉजिक वाह, तेरी मैया के तो पटाखे फोड़ दिए गए। या तो कतई भैंस गाय के गोबर में ही सो रहा था ये लोंडा, या एंड में इसके पास इतना ज्यादा धन निकला, इतना अमीर निकला। सैल्यूट टू दीस गाइस। और ब्रो, बढ़िया ब्रो। ब्रो का मतलब समझ रहे हो? ब्रो मतलब सिटी गाय। और भाई रे, ये बात एटीट्यूड की, एटीट्यूड तो बच्चे दिखाते हैं, हम लोगों को उनकी औकात दिखाते हैं। राम राम। ओ ये देसी भैया ने देसी डायलॉग मार दिया सिटी वाले भैया को। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कभी ना हारते। अब पूरी गांव वाली ऑडियंस की कच्ची गीली हो जाएगी, इसीलिए तो हम यूट्यूब चलाते हैं कि हमारी गांव वाली ईगो को सेटिस्फाई कर दे कोई यूट्यूबर। तेरी क्या कह लूंगा, क्या जान लाडले। ऐसा पता है कब होता है? जब तुम गुलजार छानीवाला का कुछ ज्यादा ही सेवन कर लो। भैया उसके गाने में भी जो बात बात पे गोलियां चलती है ना, ऐसी हरकतें असल जिंदगी में सिर्फ तिहाड़ जेल तक पहुंचा सकती हैं। गानों को गानों तक रखो, और इन बालकों के अभी तक दाढ़ी भी नहीं आई ठीक से, लेकिन कतई तकड़े वाले इंस्पायर हो रखे हैं। अगर गुलजार छानीवाला ने भी तुम्हारी हरकतें देख ली ना अपने गानों पे, तो तुम्हारा बहिष्कार कर देगा वो। देसी छोरा इंग्लिश मेम। ओ ये अगेन देसी छोरा, भैया प्लीज मेरी ईगो सेटिस्फाई कर दो। तो उतर नीचे, इतनी जल्दी बैठी है लड़ा पे। और सुन,
जब धूप में घूम के पसीने में तरम तर हो जावे ना, जब जाइयो अपने घर। यस यस, मेरा देसी ईगो सेटिस्फाई हो गया, मेरा देसी ईगो सेटिस्फाई हो गया। देसी लड़के का मतलब पता है क्या है? कि लड़कियों को गोल्ड डिगर दिखाओ, हट जा परे को करके बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाते हुए चले जाओ, बन गई एक सक्सेसफुल देसी वर्सेस फलाना ढिमकाना वीडियो। और ये भी एक फैक्ट है कि इनमें से सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर शहर के हैं और इनके किसी की भी मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। स्टिल हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऑडियंस को ऐसी वीडियोस बैक टू बैक देखना पसंद है। लेकिन देखो, कभी कभी हर तरह की वीडियो अच्छी लगती है, और शुरू में अमित बड़ाना, एलविस यादव, ये लोग ऐसी वीडियो बनाते थे और मुझे भी अच्छी लगती थी। लेकिन उसके बाद इस देसी वाले टाइटल में लोगों ने आके ऐसा गुड़ पीट दिया, ऐसा गोबर पीट दिया, कि अब ये टाइटल ही देखते ही मैं वीडियो को रिपोर्ट कर देता हूँ। तो के पता तेरे रहने के लिए मैं गाँव में महल बनवा देता। हम गाँव वालों में एक खास बात होकर है, पता है के? क्या? हम छोरी के लिए गाँव ना छोड़ते, गाँव के लिए छोरी ना छोड़ दे, तेरी मेरी राम राम। एकदम इलॉजिकल डायलॉग्स और सीन जो कि 100% रियल लाइफ में फेल हो जाएंगे। छोरी के लिए गांव क्या, अगर छोरी का बाल भी मिल जाए तो लोंडा घर भी छोड़ दे अच्छा खासा। लेकिन क्या करें, कुछ सिंगल पैदाइशी रंडवों को इसी तरह की स्टोरीज, इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी आत्मा को यही चीजें तो तृप्त करती है। देसी ऑलवेज ऑन टॉप। थैंक्स भाई, आप हमेशा देसी कल्चर को बढ़ावा देते हो हर वीडियो में। आई लव माई विलेज, बिल्कुल सही करा भाई, बिंदास बॉस गुलजार, सुपर वीडियो, माई देसी स्टाइल, माई फेवरेट, अमेजिंग। स्पॉन्सर मिल जाए तो हफ्ते में वीडियो एक की जगह चार देता हूँ। स्पॉन्सर मिल जाए तो हफ्ते में वीडियो एक की जगह चार देता हूँ। और देसी बन के व्यूज बढ़ाने को एक वाहियात डायलॉग चेपने के साथ साथ लड़की को भी धक्का मार देता हूँ। हाँ मम्मी, गले में गमछा डाल के देसी टाइटल के साथ वीडियो अपलोड कर दी है, 10 मिलियन व्यूज पक्के हैं अब यूट्यूब पे। क्या मतलब है सब गंवार बोलेंगे? नहीं मम्मी, गंवार कोई नहीं बोलता, बस मुझे देख के मुंह बनाते हैं। तुरा वही का वही गंवार, देसी गंवार। बोले दे दू जवाब? नहीं रहो मैडम, देसी हूँ गंवार नहीं। अच्छा तो क्या करूँ मैं? रहो छोरी, देसी हूँ गंवार नहीं। जा अपने सैरी चोमू की गैर बैठे, फिर उसकी गाड़ी में पिज्जा खाते, फिर हम तो अपनी एटलस पे ठीक है। हाँ ठीक है, पर अब जाते हुए ना बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के किराए की ओड़ी मत छोप करियो कुत्ते, पब्लिक को ऑलरेडी तेरा बजट मालूम है। भाई यार इसको लड़की को यार ढंग से इसके डायलॉग याद करवाओ, भाई गजब बेइज्जती कर रही है। तो भैया चाचा है ना हमारे, विधायक है, ठीक है, चार चार ट्रक चलते हैं उनके। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी ना लाइक कर देना, और किसी क्रिएटर के लिए कोई हेट नहीं है, हेट मत डालियो, कंबाइंड एक मेरा ओपिनियन था भैया इन वीडियोस पे मैंने दे दिया, किसी की 6 महीने पुरानी, किसी की 1 साल पुरानी, शायद बदल गए हूं। तो किसी को पर्टिकुलर किसी के ऊपर हेट नहीं है, गाली गुली मत बगियो, मजे लियो अपने चैनल तक। यहां पे कमेंट में खूब भसोड़ी मचाया करो, मुझे दे लिया करो खाली, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरा दूसरा चैनल लक्ष्य नूब सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य चौधरी ऑफिशियल फॉलो कर लेना। बहुत काम देके जाऊं मैं तुम्हें, एंड में होमवर्क इतनी जाएगा। बाकी भैया स्टॉक्स खरीदने बेचने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं ग्रो ऐप, चाचा विधायक है हमारे, फिर मिलते हैं।